पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम की आज की कड़ी में मैं मंगतराम और मैं सुषमा शर्मा आपका स्वागत करते हैं। अनुगूंज की आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कलाकार से जिनके गले से सुर किसी नदी की तरह प्रवाहित होते हैं। आज हम बात करेंगे पद्म भूषण विदुषी शन्नो खुराना की। विदुषी शन्नो खुराना रामपुर सहसवां घराने की गायिका हैं। दुर्लभ रागों और बंदिशों के अलावा खयाल, ठुमरी, तराना, दादरा, टप्पा, चैती और भजन गाने में उन्हें महारत हासिल है। सन 1927 में जोधपुर में जन्मी विदुषी शन्नो खुराना के परिवार का संगीत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संगीत में रुचि हो गई। उनके पिता ने उन्हें रेडियो पर तल्लीनता से संगीत कार्यक्रम सुनते देख संगीत सीखने की अनुमति दे दी। आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने बचपन के संस्मरण सुनाते हुए कहा था, मैं लगभग 8 वर्ष की थी तब मैंने हीराबाई बड़ोदकर, नारायण राव व्यास जी और इनके रिकॉर्डिंग्स रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे, मैं सुना करती थी और मुझे लगा मुझे तो यही संगीत सीखना है। हालांकि मैं शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी तब, लेकिन एक ऐसी प्रेरणा मिली और ऐसी एक भूख सी लगी कि मुझे तो संगीत अगर सीखना है तो इसी संगीत को सीखना है। पर मैं सीखती कैसे, क्योंकि जोधपुर स्टेट थी, राजे महाराजे थे, मेरे पिताजी जोधपुर स्टेट की जो रेलवे हुआ करती थी उसमें वो जनरल मैनेजर थे, और ये तो बात कभी भी सोची नहीं जा सकती थी कि हम दरबार में जाएं और गायकों को सुने, जैसे कि हर दरबार के साथ गायक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वो तो बात हो ही नहीं सकती थी हमारे घर में। मेरे पिताजी बहुत ही कंजर्वेटिव थे इस बात में, तो बाहर का असर मुझ पे केवल रेडियो के द्वारा ही हुआ। जैसे खदान से निकले किसी हीरे में एक जौहरी चमक पैदा करता है, वैसे ही किसी कलाकार की प्रतिभा को पहचान कर उसकी कला को एक उस्ताद ही निखारता है। विदुषी शन्नो खुराना की प्रतिभा को भी ग्वालियर घराने के पंडित रघुनाथ राव मुसलगांवकर ने पहचाना। अपने गुरु पंडित रघुनाथ राव मुसलगांवकर के बारे में उन्होंने कहा था, प्रोफेसर रघुनाथ राव मुसलगांवकर जो कि राजा भैया पूछ वाले के भांजे थे, वो जोधपुर आके बस गए। सन 40 की 41 की बात कर रही हूँ, और 40 की होगी लगभग, और वो बस गए वहाँ पे आके। फिर भी मेरे पिताजी ने मेरे भाई को सीखने की इजाज़त दे दी और मुझे नहीं दी। उनका ये कहना था, ये क्या जवान से गुरुजी हैं और तुम तो गा ही लेती हो सब, ये क्या ज़रूरत है, तुम तो गा ही लेती हो। पर बात वहाँ रुकी नहीं, मैंने मन में ठान लिया था कि किसी न किसी तरह से मैं उनको प्रभावित कर सकूँगी अपनी बातचीत के ज़रिए और अपने हठ के ज़रिए। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलगांवकर जी आते हैं और मेरे भाई को सिखाते हैं, और वो इतने भले पुरुष थे कि वो ऊपर अपनी आंखें उठा करके देखते भी नहीं थे कि मैं किसको सिखा रहा हूँ। तो जब पिताजी ने ये देखा तो वो उन्होंने सोचा ठीक है। तब 12 साल की आयु में फिर मैंने मुसलगांवकर जी से ग्वालियर घराने की गायकी, उससे मेरे प्रारंभिक शिक्षा हुई। 18 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया और वो लाहौर चली गईं। नवविवाहिता शन्नो खुराना ने अपनी पहली प्रस्तुति आकाशवाणी लाहौर पर दी। आकाशवाणी के अपने संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा था, जब मैंने मुसलगांवकर जी से सीखना शुरू किया तो मैं अपना रियाज करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये संगीत मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये नहीं जानती थी मैं। तो मैं पहुँच गई, हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं थी प्राइवेट, मैं एक ट्रक में बैठ के, जो एयरफोर्स की ट्रक थी उसमें बैठ करके मैं शिमला पहाड़ी जहाँ पे रेडियो स्टेशन था मैं वहाँ पहुँच गई, और
और आपको मालूम है कि ये कौन हस्ती थे? ये थे हमारे पंडित जीवनलाल मट्टू, जिन्होंने मेरा गायन सुना और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आऊं। तो प्रोग्राम्स बन रहे थे, तो मुझे याद है, अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, शायद 25 रुपए का था या 30 का था, मुझे याद नहीं, ऐसा ही था। और मैंने मुल्तानी राग गाया। रेडियो पे प्रोग्राम शुरू करने से मुझ में जागृति हुई, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यदि मैं प्रोग्राम रेगुलरली करती रहती हूँ तो हर मौके पर मुझे लगा मुझे तैयारी करनी है, और इस प्रकार से मैंने जो अपना संगीत सीखा हुआ है उसको मैं प्रिजर्व कर सकूंगी, और हो सकता मैं कुछ और भी आगे सीख जाऊं। तो ये निश्चय करके मैंने लाहौर रेडियो से प्रोग्राम करने शुरू किए। अपनी आगे की शिक्षा उन्होंने रामपुर घराने के उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान से प्राप्त की, लेकिन उनकी शागिर्दगी का सफर आसान नहीं रहा। पहले 5 महीने तक शन्नो जी की कठिन परीक्षा ली गई। जब उन्होंने सफलतापूर्वक राग को गाया तभी उन्हें आधिकारिक शिष्यता मिल सकी। उस्ताद मुश्ताक हुसैन से उन्होंने कई विरल बंदिशें और दुर्लभ राग सीखे। आइए सुनते हैं विदुषी शन्नो खुराना से एक बंदिश। तोरी चाब दे, की तोरी चाब दे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयोग किए। उन्होंने हीर रांझा और लेखक भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित ओपेरा की रचना की। आइए सुनते हैं उनके ओपेरा चित्रलेखा का एक अंश। बाधा नहीं बनना मुझे, बनना मुझे अनुगामिनी। भोगा बहुत मैंने प्रणय जलता रहा, फिर भी हृदय तृष्णा कभी होती न कम। सोता नहीं जग कर अहम, अब चाहिए केवल अभिमानिनी। कुछ भी नहीं संसार में, रहती कमी हर प्यार में। कोई नहीं अपना आपकी। इतनी
कृपा मुझ पर करे मेरी कृष्णा हरे विदुषी शन्नो खुराना ने राजस्थान के लोक संगीत पर शोध कार्य किया और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उन्होंने राजस्थान का लोक संगीत नामक पुस्तक भी लिखी। आइए अब सुनते हैं उनसे राग मिश्र काफी में ठुमरी। विदुषी शन्नो खुराना ने गीतिका संस्था की स्थापना की है जो अप्रचलित रागों को सहेजने का काम करती है। ऐसी महिलाएं जो संगीत में रुचि रखती हैं, उनके लिए भी ये संस्था विशेष रूप से काम करती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं शन्नो जी के स्वर में राग देश। Yeah.
विदुषी शन्नो जी ने ना सिर्फ गाया बल्कि संगीत के शास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया। उन्होंने संगीत के विभिन्न घरानों पर शोध भी किया। ख्याल गायकी में विविध घराने, तो ख्याल में घराने ये कब आए, घराना शब्द कब आया, तो इसके बारे में तो हम कोई ऐसा नहीं बता सकते कि कब आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि घराना शब्द के पहले, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कलाकार जिसका कि बहुत ही महत्व होता है और उसकी एक गायकी बन जाती है और उसका प्रचार होने लगता है, एक परंपरा बन जाती है, तो पहले इसको घराना शब्द नहीं कहते थे, ये कहा जाता था कि अलग अलग मठ संप्रदाय है या मठ हैं। और ये भी हम मान के चलते हैं कि सामवेद में भी अलग अलग किस्म से गाया जाता था, तो वो भी एक प्रकार से अलग अलग गाने की शैलियाँ बन गई थी। तो शैलियाँ जो हैं ये तब से चलती आ रही हैं, और ये भी पढ़ने में हम लोग को आता है और ये समझ में आता है कि अलग अलग जो मत हुआ करते थे कि ये सब घरानों के ही रूपांतर ऐसा माना गया है। और ये जो कहते हैं कि अमीर खुसरो ने ख्याल शुरू किया, तो इस चीज़ को हमारे मनीषी ठाकुर जयदेव सिंह जी नहीं मानते थे, वो तो बिल्कुल डिटेल में जाया करते थे हर एक बात में। तो उन्होंने कहा जिसे कि हम ख्याल संबोधित करते हैं ये इससे पहले रूपा का लप्ति हुआ करती थी, और जिसको कहते थे कि वो जो कि कल्पना प्रधान हुआ करता था और मनोधर्म से संगीत वो होता था, वो यौवन काल समझिए शुरू हुआ, ग्वालियर घराना शुरू हुआ सबसे पहले, और उसके बाद जो शाखाएं अलग, हमारा रामपुर घराना है वो मुश्ताक हुसैन खां साहब कहते कि हमारे सैनिया घराना, हमारे हद्दू हसू खां साहब, हमारे इनायत हुसैन खां साहब, तो उनका यही कहना था कि रामपुर घराना भी एक वहाँ की शाखा है। और शादी ब्याह में जब लड़कियां दे देते थे तो उनके साथ साथ में रागों के वो दहेज में जाती थी, तो कुछ राग उधर चले जाते थे कुछ राग, ये सब सुनने की बातें। श्रोताओं, मांड गायन संगीत की एक ऐसी शैली है जो लोकप्रिय तो है लेकिन गायन और वादन में कठिन भी है। ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रचलित है। आइए सुनते हैं विदुषी शन्नो खुराना से मांड गायन। विदुषी शन्नो खुराना को सन 1991 में पद्मश्री से और सन 2002 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। सन 2006 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विदुषी शन्नो खुराना ने संगीत की दुनिया में न सिर्फ नए आसमानों को छुआ है बल्कि अपना बहुमूल्य योगदान भी दिया। उन्होंने संगीत में आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया है। श्रोताओं, आपको अनुगूंज की आज की कड़ी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है anugunj@gmail.com। जी हाँ, anugoonj
aaiar@gmail.com। आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारे फेसबुक पेज अनुगूंज AIR से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव भी पोस्ट कर सकते हैं। श्रोताओ, आप हमारा ये कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप डाउनलोड करके FM गोल्ड चैनल सेलेक्ट करके अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं। तो अब हमें यानी मंगत राम और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।